थ्योरम 6.2 कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मूल समान अनुपातता का उल्ट। थ्योरम इज इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो। इट इज़ गिवन जेकर कोई रेखा किसी त्रिभुज दीयां दो भुजावां नूं एक ही अनुपात विच वंडे। पहला इस गल नूं समझदे हां जो गिवन साडे कोल हैगा वा, एक बनाने आपां ट्रायंगल, ठीक है, ए बी ते सी, ठीक है। वट इज गिवन, ये देखो एक रेखा साढ़े हैगी है लाइन, देखो डी ई, जिहड़ी की करदी भी है दो भुजावां, दो भुजावां कि इत्थे नोट करो, पहली भुजा साढ़े कोल ए बी है, दूजी कि ए सी है, ठीक है। दो भुजावां नूं की करदी है समान अनुपात विच बनदी है, दिस मीन ए डी पॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई पॉन ई सी। दिस लाइन डिवाइड द टू साइड्स ए बी एंड ए सी इन टू सेम रेशियो, ए डी पॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई पॉन ई सी। इन आप लिखते हैं, ठीक है। वट इज गिवन इज इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी पॉन ए डी पॉन डी बी, ठीक है, इजकल टू ए पॉन ई सी, इट इज़ गिवन। उस तो बाद पंजाबी भी देखो दिता है ट्रायंगल ए बी सी बिच, ठीक है, ए डी पॉन डी बी ए पॉन ई सी, ठीक है। हम आप करना कि अगे लाइन पढ़ो, गिवन होगा साडा, ठीक है, दैन द लाइन मस्ट बी पैलर टू द थर्ड साइड, तो लाइन की जी है थर्ड साइड है पैलर, थर्ड साइड कि है ए वाली, ये पैलर प्रूव करना, ठीक है, आप डी नू बी सी से पैलर आप सिद्ध करना, ठीक है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होंगी है, ठीक है। ये आप प्रूव करना वा इन इंग्लिश, टू प्रूव डी पैलर टू बी सी, ठीक है। पंजाबी देखो सिद्ध करना आप, ठीक है, की सिद्ध करना आप डी पैलर टू बी सी, ठीक है, ये इंग्लिश ये पंजाबी, ठीक है। हम देखो रचना कंस्ट्रक्शन, अपना एक अपने वालों लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी सी से की है समांतर है, ठीक है। इस तरह करते हैं, इस एल जिहड़ी कि ए सी नूं एफ ते कटदी है, ठीक है, लिखो फिर इत्थे आप रचना की है थ्रू डी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू बी सी, देखो आ लाइन की है पैलर है, दिस लाइन इज पैलर टू दिस लाइन, ठीक है, असी मनिया इनू रचना की थी, यही आप ड्रा की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की आप ड्रॉ ए लाइन पैलर टू बी सी विच इंटरसेक्ट जी कटती है इंटरसेक्ट ए सी एट एफ, जी इंटरसेक्ट करती है ए सी नू एफ दे उपर, देखो नोट करो ये एफ पॉइंट है, ए सी नू एफ ते कटती है, हाँ ए सी हो गई है, तो आ लाइन जी समांतर आप खिंची है
उन्हों एफ टे कर दी। ठीक है, उस बार आया पंजाबी विच रचना। ठीक है, बिंदु डी तो, बिंदु डी तो बी सी दे समांतर एक रेखा एल खिंचो जो एसी नू एफ ते कटदी है। ठीक है, ये पंजाबी आ गया रचना। हुण आ गया प्रूफ। प्रूफ की है साढ़े कोल, इत्थे कर लैने आपां। ठीक है, प्रूफ नू पूरा कर लैने आपां। प्रूफ इज देखो साढ़े को है कि एक गल नोट कर लो, अगर साढ़े को ए बी सी कोई ट्रायंगल है। ठीक है, जो मान लो इत कोई साइड एम ते एन है, गल नोट कर लो, अगर आ ये समांतर है, थेल थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कहती है कि अगर ये समांतर है तो ए एम बटा की अगर रखो ए एम बटा एम बी बराबर होगा ए एन बटा एन सी। ठीक है, राइट। हुण साढ़े को देखो डी एफ की है समांतर बी सी दे, इन्हों नहीं देखना आप, जी लाइन समांतर उन्होंने देखना आप, मतलब ए डी बटा डी वी बराबर आऊगा ए एफ बटा एफ सी, लाइन समांतर होगी उन्होंने देखना आप। ठीक है, हुण लाइन समांतर कि है डी एफ, मतलब ए डी बटा डी वी बराबर है ए एफ बटा एफ सी। ठीक है, इतों देखना आप, बस इन्हों नहीं देखना आप। ठीक है, हुण देखो सबूत में की है, इस समझाने वास्ते सीगा ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी राइट, ट्रायंगल ए बी सी विच, ट्रायंगल ए बी सी विच। ठीक है, की लिखेंगे आप, आज की है समांतर है डी एफ है पैल टू बी सी, बट रीज़न इज हूँ आप क्यों लिखा इन पैलर डी एफ नू बी सी से पैलर क्यों लिखा आप रचना अनुसार। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन इन पंजाबी रचना अनुसार। ठीक है, क्लियर है, देखो ये सानू गिवन है, इट इज़ गिवन। तो आप इतना करते हैं, अगर ये लाइन ये की है पैलर है, इतने लाख आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय थेल थ्योरम लिख लो, भावें शॉर्ट नेम भी है थेल थ्योरम बाय या फिर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बाय बीपीटी लिख लो, बाय लिखी लो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, पंजाबी विच की लिखांगे आपां मूल समान अनुपातता थ्योरम अनुसार। ठीक है, इनू बड़ा लिखते हैं सिंपल शॉर्ट फॉर्म च आपां बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म च आपां बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, ये भी ना लिखो, अभी ना लिखो, सिंपल आ लिख लो बाय बीपीटी। ओके, तुहाडी मर्जी है हुण। ठीक है, जो मर्जी लिख सकते तुसीं, आ लिखो या आ लिखो, पंजाबी वाले बच्चे भी आ लिख सकते हैं। ठीक है,
बाय बीपीटी। हम देखो साढ़े की आया थे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की होगी साढ़े को आनलाइन ये समांतर है दिस मीन ए टी बटा डी वी बराबर है ए आ बटा एफ सी की लिखा आप ए टी बटा डी वी बराबर है इनू देखना आप इनू ए आ बटा एफ सी ये आ गई साढ़े को फस्ट क्वेश्चन। ठीक है तो सैकेंड क्वेश्चन दसो की बनूगी साढ़े को रब करने अपन। ठीक है साढ़े को गिवन है। ठीक है इन पर लिख लें अपना इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है लिखेंगे ए डी बटा डी बी बराबर है ए बटा ई सी। ठीक है देखो सेम रेशियो जो बन रही है ए डी बटा डी बी ए बटा ए सी इट इज़ गिवन। ठीक है वह गिवन। ठीक है मैंने रब कर दूंगा तो पंजाबी भी जाऊगा दिता है। ठीक है इन रब कर देने अपना। ओके एक क्वेश्चन नंबर आ गई सेकंड फ्रॉम क्वेश्चन वन एंड टू। देखो नोट करो कि साढ़े को बराबर आ वा। ठीक है ये दोवें इक्वल है अगर जो दोवें इक्वल हो गए तो साढ़े को आ भी दोवें इक्वल आएंगे। ठीक है असं लिखांगे फ्रॉम क्वेश्चन वन एंड टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। ठीक है समीकरण एक ते दो तो समीकरण एक ते दो तो। ठीक है जे साढ़े को आ इक्वल है तो आ भी की आएंगे इक्वल आएंगे यू कैन राइट हेयर आप लिख सकते हैं ए एफ बटा एफ सी बराबर है ए बटा ई सी। ठीक है साढ़े को अगर आ बराबर आ गए तो आ भी की आएंगे बराबर आने वो लिख लिया थले। ठीक है उस तो बाद देखो असी करेंगे ये एडिंग वन एडिंग वन बोथ साइड एक पूरा रब कर लेने। ठीक है इनू या फिर देखो रब कर लेने आप एडिंग वन बोथ साइड एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है दोवें पासे पंजाबी लिखो दोवें पासे एक जोड़न ते एफ ऑन एफ सी एक जोड़ लो इच। ठीक है ए अपॉन ई सी एक जोड़ लो। ठीक है उस तो बाद एलसीएम इज एफ सी एलसीएम आ गया ए एफ प्लस कितना आ गया प्लस एफ सी ई सी एलसीएम आ गया कितना आ गया ए प्लस। ठीक है ई सी इन गुणा करती वन नाल एफ सी आ गया इन गुणा करती वन नाल। ठीक है एलसीएम आ गया ना एफ सी इंटू वन इज एफ सी ई सी इंटू वन इज ई सी। हम तुम नोट करो गल कि रब कर रहा मैं। ठीक है साढ़े को है कि ए एफ प्लस एफ सी नोट करो ए एफ प्लस एफ सी की बन गया ए सी बन गया ए एफ प्लस एफ सी प्लस कर लो कितना गया ए सी ये साढ़ा बन गया ए सी। ठीक है यदि देखो ए प्लस ई सी ए ई प्लस ई सी कितना बन गया ये भी ए सी बन गया। देखो पहला सीगा ए एफ प्लस एफ सी ए एफ प्लस एफ सी का ए सी बन गया। ठीक है इधर की है ए प्लस ई सी कितना बन गया ए सी बन गया। देखो
दोनों पद एसी बन गया, राइट। दोनों पद एसी आ रहा है, काट दो उन्हें, ठीक है। ये बन गया वन अपॉन एफ सी वन अपॉन ई सी, ठीक है। ई सी नू एक ना गुना कर लो, एफ सी नू एक ना गुना कर लो, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ई सी इंटू वन इज ई सी, एफ सी इंटू वन इज एफ सी, ठीक है। तुसी गल नोट करो कि साढ़े कोल की आया कि यह सी पॉइंट, मान लो ये हो गया साढ़े कोल ई पॉइंट, ठीक है। एक साढ़े को आ गया एफ पॉइंट, साढ़ा रिजल्ट की आया वा कि ई सी बराबर है एफ सी। देखो ये पॉसिबल है ही नहीं, ये दूरी ज़्यादा वा ये दूरी घट है, ठीक है। यदा मतलब ये ता ही पॉसिबल है अगर साढ़ा जो एफ पॉइंट है ना वो ई की जगह पर आ जाए, ठीक है। हूँ ठीक है, हूँ आप कह सकते हैं कि हाँ भी ई सी बराबर है एफ सी। देखो ये साढ़ा एफ पॉइंट इतने आ जाए, यदा मतलब इतने आ गया एफ पॉइंट, ठीक है। दिस मीन आ रेखा ये पर आ जानी है, लाइन पर लाइन आनी, ठीक है। हूँ आ लाइन इतने आ गई, ठीक है। दिस इज पॉसिबल ओनली, देखो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ एफ एंड ई कोइंसाइड। देखो कोइंसाइड होता साढ़े कोल इको जगह पर, हूँ एफ से ई इको जगह पर है, ठीक है। कोइंसाइड जे इको जगह पर आ गए ने, दिस मीन जी आ लाइन इतने आ गई, यदा मतलब डी एफ तो डी ई ये कड़ी लाइना ने, लाइन अपलाइन मीनस को इंसीडेंट लाइनस लिखा आप, दैट इज डी एफ एंड डी ई आर को इंसीडेंट लाइन्स। देखो लाइन पर लाइन आ गई, दिस मीनस जो सूँ पता कि सूँ डी एफ बारे पता वा कि डी एफ की है, समांतर है बी सी दे। तो हूँ डी एफ तो डी ई कोई फर्क रह ही नहीं गया, अगर डी एफ समांतर है तो डी ई तो डी एफ सेम लाइनस है, कॉन्सीडेंट लाइन है, यदा मतलब डी ई भी की है बी सी दे समांतर है, ठीक है। जो आप प्रूव करना है आप लिखा हैंस हैंस डी ई पैल टू बी सी, बिकॉज सानू की पता वा सानू डी एफ बारे पता, डी एफ समांतर है बी सी दे बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्योंकि हूँ डी एफ तो डी इको लाइन वा, कॉन्सीडेंट लाइन मीन लाइन पर लाइन है, जो साडे को डी एफ पैलर टू बी सी है, दिस मीन डी तो बी सी डी भी की है बी सी की है पैलर है, क्योंकि हूँ डी तो डी एफ आर द सेम लाइन, ठीक है। साडा रिजल्ट आ गया, ठीक है। हैंस प्रूफ मीनस आप कि जी साडे को डी लाइन सी डिवाइड टू साइड इन द सेम रेशियो, ठीक है। असी प्रूव करना कि दिस लाइन इज पैलर टू दिस लाइन, ठीक है। मीनस डी पैलर टू द थर्ड साइड, आ फस्ट सी साइड सैकेंड साइड सी जी आ लाइन सी दो साइडों की करती सी डिवाइड इन द सेम रेशियो, असी प्रूव करना कि डी ई पैलर टू बी सी हो गया प्रूफ, ठीक है। आप लिखा हूँ पंजाबी विच, ठीक है। यह ता ही संभव है जेकर, ठीक है, आ दूरी बराबर ये ता ही संभव है जेकर एफ अते ई संपाति होन, संपाति मतलब इको जगह दे होन, टाइम बराबर होगा, देखो आ दूरी बराबर रहे, ठीक है। भाव ये एक जगह पर आ गए ने, यदा मतलब डी तो डी एफ की होने जी लाइना की होनी है, भाव डी एफ अते डी ई
संपाति रेखावां हन। जे संपाति रेखावां हन ये मतलब डी ते डी ए विच कोई अंतर रह नहीं गया, यू कैन से डैट असी कह सकते आप, इसलिए डी ई समांतर है बी सी दे, क्योंकि डी एफ की है सानू पता डी एफ बारे समांतर है बी सी रचना अनुसार, रचना अनुसार ठीक है। सानू डी एफ बारे पता सीगा कि बी सी दे समांतर है बाय रचना अनुसार कह सकते आप ठीक है इनू, तो डी ते डी एफ हुण इक्को लाइना ने मीनस संपत्ति रेखावां ने, अगर डी एफ समांतर बी सी दे दिस मीन डी समांतर है बी सी दे ठीक है। हो गया प्रूफ साढ़े को, देखो बेटा इस थ्योरम नूं तुसीं ना दोबारा करना ठीक है, जे सानूं थ्योरम समझ आ गई तो आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आराम नाल कर सकते हैं ठीक है। तो इस थ्योरम नूं तुसीं दोबारा लिखना अपने आप, ओके, इनू याद नहीं करना, इनू समझना वा,